हाय गाइस, कैसा आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमाल का ट्रिक्स बताने वाला हूँ कार रोलेट का, जिसमें आप कोई भी तीन पत्ती का जो कार गेम है उसमें आप आसानी से जीत सकते हैं। सो यूट्यूब में कोई भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेंगे जिसका आपको कार रोटरी के बारे में कुछ अच्छा जानकारी दे पाए। सो ए टू जेड समझाएंगे कैसे जीतेंगे, कैसे खेलना है वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप मैं आज बप्पा रामी में ये कार रोलेट को खेल के दिखाऊंगा। आप चाहे तो आप जो तीन पत्ती खेलते हैं, अगर आप बप्पा रामी खेलेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या तो आप अगर तीन पत्ती मास्टर खेलते हैं उसमें भी आपको जो भी गेम खेलते हैं उसमें विड्रॉ होना चाहिए तभी आप खेलिए। सो यहाँ पर देखिए, जो कार रोलेट गेम है उसमें इसे जो भी तीन पत्ती है उसमें यहाँ पर 8 घर होंगे, जिसमें आपको 8 कार का कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर दिया है। जो ऊपर वाला लाइन होता है उसमें थोड़ा दामी कंपनी होता है, जो ज़्यादा ब्रांड वाला है, और नीचे थोड़ा लो रेंज कार का कंपनी है। ऊपर में सबसे पहले आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर मिलता है फरारी का, जिसमें आपको 40x मतलब 10 का 400 मिलेंगे। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पर मिलता है आपको लैम्बोर्गिनी, जिसमें आपको 25x मिल देंगे मतलब 10 का 250। उसके बाद यहाँ पर आता है पोर्श, जो इंडिया में है ही नहीं, वो पोर्स कंपनी अमेरिकन साइड में है, उसमें आपको 10 का 150 मिलेंगे मतलब 15x। और लास्ट में है मर्सिडीज़ बेंज, जिसमें 10 का 10 गुना मिलेंगे मतलब 10 का 100 मिलेंगे। नीचे आते हैं हमारा थोड़ा लो रेंज, जैसे कि BMW मिलता है, BMW में आपको 5x, फिर ओडी आता है 5x, फिर टाटा कंपनी का आता है, और लैंड रोवर का भी आपको 5x मिलते हैं। मतलब नीचे अगर आप पकड़ेंगे तो 10 का 50 मिलेंगे, ऊपर में आपका अगर बाईसेंस। सो इसमें कहानी ये है कि जो ऊपर वाला लाइन है वो बहुत कम मरते हैं और ज़्यादातर नीचे वाला मरते हैं। यहाँ पर देखिए आप, लास्ट टाइम लाइन हम देखेंगे लैंड रोवर, फिर यहाँ पर पोर्श कंपनी, फिर ओडी, मर्सिडीज़ एंड लैंड रोवर। सो फिर से लैंड रोवर। ज़्यादातर गेम में आपको क्या होता है, जो एक बार मरता है वो डबल मरता है। सो डबल का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल ओडी, फिर डबल लैंड रोवर हो गया टाटा का 2 बार। इस बार हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे लगाया तो हम BMW पे फर्स्ट टाइम लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है BMW पर फर्स्ट टाइम। सो इंतज़ार करते हैं अभी। ओके, सो इस बार क्या आया, हमारा ओडी आया। सो आप अगर एक बेट हारते हैं तो आपको कोई बात नहीं, आप जब एक बार मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, टाटा में 10 डालने वाला था, मैं 20 लग गया, और जो ओडी है उसमें 20 गलती से लग गया, मैं 10-10 लगाने वाला था। ये दोनों में ट्रिक्स बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप जस्ट शुरुआत है, देख लेते हैं इस बार क्या होता है। सो ऊपर वाला मार दिया, जिसने पकड़ा था उसका बल्ले बल्ले। सो अभी जैसे कि एक बार ऊपर में मार दिया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा कि फिर से ऊपर वाला ही मारे। आप और एक फॉर्मूला है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 लाइन है, अगर आप 10 10 10 करके 40 जाएंगे, लेकिन कोई एक आएगा तो आपको 50 मिलेगा, आपको 10 रुपया फ़ायदा में रहेंगे। सो इस बार देख लेते हैं कौन सा आता है, शायद ऊपर वाला आ जाए इस बार भी, हो सकता है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर टाटा का गाड़ी आया था जिसमें मुझे 10 का प्रॉफिट फिलहाल हुआ, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार चुका था। लेकिन इसमें अगर हर बार आप इसी तरह 10 10 10 लगाएंगे तो आपका चांसेस है कि आप हर बार 10 रुपया करके जीते। लेकिन बाई चांस अगर ऊपर में एक बार मार दिया तो आपका डायरेक्टली 40 रुपया चला जाएंगे। उसको उभरने के लिए आपको बेट को डबल करना होगा, 20 20 का खेलना होगा, तो आपका पहला का बेट डबल हो जाएंगे। तो इस बार देख लेते हैं। देखिए जैसे कि इस बार मेरा लॉस हो गया है, क्योंकि जो मर्सिडीज़ है वो मर दिया ऊपर में। और कभी कभी आप ऊपर का भी चांस ले पाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपके पास पैसा कम है तो ऊपर में मत पकड़िए। सो इस कॉर्नर पे एक बार हम यहाँ पर ट्राई करते हैं और इस कॉर्नर पे ट्राई करते हैं। आपको हमेशा कॉर्नर पकड़ना है अगर आप सिंगल बेट लगाएंगे। ओके, बहुत टाइम हो गया है कि BMW नहीं आया है, तो इसलिए मैं इस बार सिर्फ BMW पे लगाऊंगा। और एक बार ये जो 25 वाला एक्स, इसमें 10 आपको ऐसे ही डाल देना है कहीं पर भी, अगर लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है।
आज लाख इतना बुरा कि हर बार ज़्यादातर मैं हारते ही गया, जहाँ पर भी टकरा कभी कभी जीता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा ऑपोजिट गिरा है। सो जो ट्रिक्स है आपको क्या करना है, आपको कार रोलेट गेम में आके थोड़ा देर आपको देखना है, 5 मिनट या 10 मिनट आपको गेम को रीड करना है कि कौन सा ज़्यादातर मार रहा है, किसका बात कौन सा आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। और मैंने जो बताया था नीचे का 4 लाइन, आपको हमेशा नीचे 4 लाइन पर आप 10-10 बार लगा देंगे तो कोई एक आएगा तो आपको 50 रिटर्न मिलेंगे, लेकिन कभी ऊपर मार देंगे तो आप बेट को डबल कीजिए। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इससे कैश जीत सकते हैं। और ये सब गेम में कोई भी आपको एडवांस नहीं बता पाएगा कि कौन सा आएगा। हाँ, अंदाज़ा बहुतों का बहुत राइट होता है, लेकिन वो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे के खेलेंगे तो आपका भी अंदाज़ा सही हो जाएंगे। इसीलिए आपका मन का सुनिए और ध्यान दीजिए कि कौन सा कार्ड आएगा, कौन सा कार्ड ज़्यादातर आ रहा है। सो टाइमलाइन आप ध्यान दीजिएगा तो आप डेफिनेटली जो आपका सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहेंगे। तो गैस आज के इस वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।